हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का टॉपिक है सेल्फ फिलिंग डिस्प्ले और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। गाइज, एक सेल्फ फिलिंग डिस्प्ले की स्टेटमेंट कहती है कि एक सेल्फ फिलिंग डिस्प्ले वो है जो किसी भी तरह का मैनुअल इंटरफेस किए बिना उस डिस्प्ले में आई हुई किसी भी तरह का डेंट और स्क्रैचेस को वो डिस्प्ले खुद से ही रिपेयर कर दे, खुद से ही हील कर ले, तभी वो एक सेल्फ फिलिंग डिस्प्ले मानी जाएगी। ऐसे में दोस्तों 2013 में LG की तरफ से आने वाली फ़ोन LG G Flex, LG इसको दावा करती है कि LG G Flex स्मार्टफोन के अंदर में जो डिस्प्ले है वो एक सेल्फ फिलिंग डिस्प्ले है। ऐसे में दोस्तों इस स्मार्टफोन की जब टेस्टिंग की जाती है तो टेस्ट में पाया जाता है कि भाई जो किसी तरह का जो डेंट्स होते हैं उसको वो रिपेयर नहीं कर पा रहा है, बल्कि जो छोटे मोटे माइनर से स्क्रैचेस हैं उनको वो रिपेयर कर लेती है। तो ऐसे में दोस्तों वो एक सेल्फ फिलिंग डिस्प्ले नहीं मानी जाएगी। लेकिन 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 दोस्तों यहाँ पे एप्पल की तरफ से आई हुई अभी सामने एक पेटेंट में कहती है एप्पल कि भाई हम भी लेके आ रहे हैं सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले, वो भी एक फोल्डिंग आईफोन के अंदर में। वैसे दोस्तों एप्पल की तरफ से फोल्डिंग आईफोन कब आएगी इसकी प्रेडिक्शन तो हम नहीं कर सकते, मतलब अगले साल आएगी या फिर उसके भी अगले साल आएगी। लेकिन दोस्तों जब भी आएगी हम एप्पल से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई जब भी वो सेल्फ फिलिंग डिस्प्ले लाएगी उसमें कुछ तो बात होगी और वो बिल्कुल एक सेल्फ फिलिंग डिस्प्ले मानी जा सकती है। गाइस, सेल्फ फिलिंग डिस्प्ले को बनाने के लिए यहाँ पे बेसिकली कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है और केमिकल्स के रिएक्शंस की मदद से ही एक डिस्प्ले अगर स्क्रैचेस आती है और डेंट्स पड़ती है तो उसको वो रिपेयर कर पाती है। लेकिन दोस्तों वो केमिकल को डायरेक्ट कैसे लगाए स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे काम में लेती है कुछ लेयर्स को। कुछ लेयर्स को लगाए जाते हैं एक स्क्रीन के ऊपर में, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर में कंपनी लगाती है और उसी लेयर में वो केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं और जब भी कभी डेंट्स पड़ते हैं या फिर स्क्रैच होती है डिस्प्ले में तो बहुत ही आराम से दोस्तों वहाँ पे उस रिएक्शन की मदद से सेल्फ रिपेयर कर दिया जाता है। यहाँ पे गाइज ऑटोमेटिकली वो खुद से ही रिपेयर करती है, वहाँ पे किसी भी मतलब मैनुअली टच की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों जैसे कि अगर हम पूरी रात को अगर मोबाइल फ़ोन को चार्ज में लगा देते हैं तो चार्ज फिर भी ओवर चार्जिंग नहीं होती। यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट तरीके से जो हमारे स्मार्ट चार्जर्स है या फिर फास्ट चार्जर्स है या फिर स्मार्ट बैटरीज हैं वो चार्ज लेना ही छोड़ देती है जब उसकी परसेंटेज फुल हो जाती है चार्जिंग में। तब ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिकली काफ़ी आराम से मतलब जब भी डेंट पड़ती है फिर स्क्रैच पड़ती है तो ऑटोमेटिकली उसको रिपेयर कर जाता है, किसी भी मैनुअली टच की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लेयर्स होते हैं ना उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो यूज़ करती है हीट को, लाइट को और करंट को और तीनों के हेल्प की मदद से दोस्तों यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक डिस्प्ले के ऊपर में उसको हील कर दिया जाता है, उसको रिपेयर कर दिया जाता है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। गाइज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे वीडियो बनाने के बाद लगा कि यार आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए थी और मैं भूल गया, तो वो दोस्तों ये है कि यार अगर आप सोच रहे हो कि आपकी डिस्प्ले पूरी टूट के चकनाचूर हो गई होगी और आप तब सोच रहे हो कि यार मेरी डिस्प्ले जो है वो हील हो जाएगी सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले की मदद से, बट ऐसा नहीं होगा। मतलब एक लिमिट में अगर आपकी डिस्प्ले में स्क्रैच आती है और डेंट पड़ते हैं तभी वो सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले जो है वो आपकी डिस्प्ले को हील कर पाती है, रिपेयर कर पाती है।